हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खुशपंथिया जिंदगी की। बहुत जल्दी देखते देखते बहुत कठिन दौर गुजरा है, मगर एक साल हो गया है जब वायरस ने इंडिया में प्रवेश किया था, और इस साल ने सबको बहुत कुछ सिखाया है और अभी भी सिखा ही रहा है। और स्पेशली उस दिन से के जिस दिन हमारे यहाँ शुरू हुआ था जनता कर्फ्यू या मेन शुरू हुआ लॉकडाउन, उस दिन से लेके बाद के 9 महीने तो सबको एकदम पूरी तरह सबको किसी ना किसी तरह अफेक्टेड किया, और उसी में से मैं भी हूँ। और मैं कहाँ अलग, पूरा विश्व ही सफर किया है। और इस दौरान जो लोग एक कहीं रह गए, जैसे हम लोग भी उस दिन राजस्थान में थे, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में कहा है, लेकिन किस्मत अच्छी थी हम लोग रवाना हो गए और अपने घर पहुंच गए। बहुत से लोग नहीं निकल पाए थे और अपने किसी शादी में गए हुए थे जिस पर हम लोग गए थे, कोई अपने रिलेटिव के, कोई बेटी अपनी पीहर गई हुई, इस तरह बहुत से लोग और किसी रिलेटिव के यहाँ गए थे एक दो दिन के लिए, और वहीं उन्हें रुकना पड़ा। कई लोग तो अनजान जगह होटलों में कहीं ना कहीं फंस गए। तो उस समय जो कठिनाई हुई उसमें, और एक घरों में भी जो लोग स्पेशली शहरों में छोटे छोटे घरों में बंद होके रह गए, उन सब ने एक चीज और सीखी, एक रिश्ता और सीखा। वो रिश्ता कईयों के लिए हो गया था विवस्ता का रिश्ता, कि आप कहते हैं स्टोरी ऑफ 9 मंथ्स, जो भी नाम दीजिए। वो विवस्ता कैसे हुई, किसी की भी दोष नहीं। जो लोग किसी के घरों में रह गए उनकी भी मजबूरी, निकल नहीं पा रहे हैं, और जिनके घर में है जगह भी कम है, अपनी उलझने इतनी बढ़ गई थी, चीजों की व्यवस्था कहाँ करें, कहाँ सुलाएं, क्या करें, खुद के ही समझ में नहीं आ रहा था, उसके ऊपर और एक गेस्ट। तो दोनों अपने अपने रिश्तों में विवश, ना वो निकल पा रहे हैं ना वो भेज पा रहे हैं। और ऐसे में घरों में भी, घर के माहौल भी, सबके तनाव हो ही गया था, और शहरों वालों के अंदर असर अधिक हुआ। सिंपल कारण है, जगह बहुत कम और एक दूसरे के अलावा और कोई दिखता नहीं, अपने आप को बांध लिया। स्टोरी ऑफ 9 मंथ्स आप इसलिए भी कह सकते हैं, जिस तरह एक महिला को जब पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और जब डॉक्टर्स भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं 3 महीनों के लिए, तो एक बेचैनी रहती है अपने आप को, सब अपनी संतान की सुरक्षा के लिए किस तरह वो अपने आप को अपने छोटे से बेडरूम में या अपने घर में एकदम बंदिशों के साथ रखती है, किस लिए, संतान की सुरक्षा के लिए। उसी तरह हम लोग इस समय विवश हो गए थे कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कि अपने आप को घरों में बंद रखें। लेकिन होता क्या है, महिला के तो दिल में एक खुशी भी होती है कि वो माँ बनने वाली है, और अगर उस दौरान फ्रस्ट्रेशन टेंशन उसे होता भी है, जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे संभालने वाले तो सब नॉर्मल है, सब संभाल लेते हैं, जानते हैं, उसकी केयर करते हैं। यहाँ स्थिति एकदम विपरीत थी, हम सभी एक जगह बंद थे, तो ऐसे में किसको कौन संभाले। वो कहते थे तुम मुझसे, मैं खुद से परेशान, दोनों है मुझे, ऐसे में किसको कौन संभाले, दिन ढल जाए, रात न जाए। माने हर व्यक्ति अपने आप में परेशान हो गया कि करे तो क्या करे, और फ्यूचर ये सब तो सोचना एक एक दिन जैसे लगता है, और अभी भी पूर्णतः हम लोग बाहर नहीं आए हैं उस स्थिति से, अभी तो फिर आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक व्यवस्था का दौर जो गुजरा है वो बता नहीं सकती, और कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो हुआ क्या, लोगों में कई बार अपनी व्यवस्था एक दूसरे को के ऊपर जाहिर कर दी किसी ने, जैसे बच्चों को जो टेंशन है उन्होंने उड़ेल लिया सारा अपना टेंशन, माता पिता को, माता पिता ने कभी बच्चों को, तो जो घर में है उसे ही तो, या पत्नी को। लेकिन हुआ क्या, जो पहले क्या होता है, लोग घर से बाहर चले जाते हैं और उन चीजों को भूल जाते हैं, यहाँ तो भूलने का भी स्कोप नहीं, अकेले में किसी से कहने का भी स्कोप नहीं, तो लोग घर में बंद हो गए। आपसे बताती हूँ ये 9 मंथ्स क्यों कहा, मेरी संबंध वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एक दिन उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि अरे बाप रे, 9 महीनों ने तो मुझे उससे भी अधिक तकलीफ दी, जो जब ये बच्चे होने वाले थे कितनी सावधानियों से रही थी, और अब तो पूछो ही मत, लगता सब भूल ही गए, मैंने इतने कष्ट से इन्हें पाला, तकलीफ सब भूल गए, कुछ भी अपना आके गुस्सा होता है उड़ेल देते। तो मैंने हंसकर कहा, कर एक सेकेंड तो सोची क्या जवाब दूं, क्योंकि बात तो सच है, फिर हंस के कहा इसीलिए तो आपसे कहते हैं, क्योंकि दुनिया से भी पहले 9 महीने पहले आपसे नाता जुड़ा था, और कोई उनका सुनेगा भी क्यों, आप किसी अनजान को अगर आप अपना टेंशन कहोगे या उससे तेज बोलोगे, तो वो एक बार बोलेंगे तो सामने वाला 2 बार बोलेगा ना, तो वो किससे कहेंगे।
और उन्होंने कहा ये बात तो सच है, बोली होता है। फिर जैसे मेरी अक्सर आदत है क्रॉस चेक करती हूँ, उनके बच्चे भी मेरे बहुत क्लोज हैं, ऐसी नॉर्मल बात में कहा कैसे हो क्या हो, उन्होंने कहा अरे थोड़ी स्थिति तो बेहतर हुई है लेकिन क्या करें, अब तो बाहर भी काम पैसा नहीं लगे, लेकिन ऐसा तो कभी जिंदगी में ऐसा दोबारा फेस ना आए और जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। बहुत ही खराब, जो हमेशा ज्यादातर दुलार दुलार ही मिलता था, लेकिन इस दौरान तो मम्मी पापा भी क्या करें, काम इतना प्रेशर, उनपे भी घर का काम बढ़ गया, तो कुछ भी अगर डांटना होता तो सामने हम तैयार मिलते और हमें भी गुस्सा आता तो पलट के जवाब देते। पहले तो निकल जाते थे स्कूल कॉलेज ऑफिस, अब क्या करें, तो खराब भी लगता है मन मन में, लेकिन हमें कई बार लगा कि अरे इतना तो कभी नहीं डांटा ही नहीं, तो शायद हम सोचते हैं उन्हें भी लगा होगा कि हम भूल गए हैं कि उन्होंने हमें कितनी तकलीफ से पाला और हमने भी शायद उनके साथ थोड़ा ज़्यादा ही खराब व्यवहार कर दिया। सो फ्रेंड्स आप देखिए सच्चाई वही थी, सोच दोनों की अलग अलग और दोनों अपनी अपनी जगह एकदम सही, तो एक तरह का व्यवस्था का रिश्ता हो गया। यानी जो माँ सोचती है वो भी बिल्कुल सही थी, जो बुजुर्ग घर के बड़े सोचते हैं, और जो बच्चे सोच रहे थे वो भी अपनी जगह बिल्कुल सस्ते। बहुत कठिन हो जाता है, और स्पेशली मैं आपको बताऊंगी अभी भी, जैसे ठीक एक साल आगे भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के यंग बच्चे पर नई आई नई नवे की दुल्हन या हमारी जवाई हमारी बेटियां दूसरे घर में जाके हमारा सम्मान करे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, तो वो सीखते हमसे ही, घर में हम अपने बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करते हैं। तो जिन लोगों में इंसानियत है, जैसा मैंने कहा इस परिवार के लिए दोनों को ने मजबूरी में इतने कठिन दौर में भी अगर एक दूसरे से थोड़ी नोकझोंक हुई भी तो दोनों समझते हैं, एक दूसरे से सॉरी भी कहा, एक दूसरे की व्यवस्था समझे, और उनमें फिर भी प्यार और अपनापन है। और अभी भी जैसे उन्होंने कहा, अभी तो कई बार ऑफिस निकलते समय जब माँ बोलती है ध्यान से रहना, डर जाती है तो तेज होके कहते कुछ नहीं होता, चिंता न किया करो, और मन मन में जानते हैं कि माँ तो यही सोच रही होगी कि मैं नहीं चिंता करूँ तो कौन करेगा, कैसे बोल गए। लेकिन हम उन्हीं की खुशी के लिए बोलते हैं कि वो नर्वस ना हो, और ये लाइन मैंने उनकी माँ से पहले सुन चुकी थी। मन में ही मन सोचा कैसे व्यवस्था का दौर आ गया है, सब अपनी अपनी जगह सही है फिर भी विवश है। लेकिन आपको कहना चाहूंगी ये इंसानियत ये व्यवस्था का रिश्ता तब तक सही है जब तक हमारे जिन लोगों में इंसानियत है, जिन लोगों में इंसानियत नहीं है तो उनके लिए तो अगर एक सामने वाले की व्यवस्था उनकी ताकत शक्ति प्रदर्शन का एक अटल सत्य है, जीवन और मृत्यु यानी बर्थ और डेथ बी डी, इन दोनों को हम नहीं टाल सकते और खून के रिश्ते भी हम नहीं बनाते, वो हमें पता नहीं होता हमारे माता पिता कौन होंगे, ना ही हम चाहे भी तो हम अपने भाई बहन या जो भी खून के रिश्ते हैं बच्चे तय नहीं करते उनके माँ बाप कौन बनेंगे, ये हमें कुदरत ने दिए हैं। लेकिन मानवता हमारे अंदर हम जिंदा रखें और इन रिश्तों का महत्व समझें, जैसा इसीलिए हमेशा कहते हो कि सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का। खून के रिश्ते कहाँ, अगर जो लोग अच्छे हैं जैसा मैंने कहा इस परिवार का, इस दौरान जिन लोगों ने एक दूसरे में व्यवस्था के बावजूद भी एक दूसरे को समझा एक दूसरे को संभाला और अब भी संभाल रहे हैं, तो वो व्यवस्था का रिश्ता फिर भी वापस अच्छा हो जाएगा, प्यार आ जाएगा, है जो अभी अंदर स्नेह है जो थोड़ी बहुत कटुता है वो भी दूर हो जाएगा, क्यों हो जाएगी, इनमें इंसानियत। लेकिन जिन लोगों में इंसानियत नहीं होती और हैं ऐसे लोग, कहने में खराब लगता है भी ऐसे होते नहीं, अच्छी सोच वाले भी हैं, इन चीज़ों से हम सीखते हैं। जैसे हम अगर किसी आसपास भी किसी के साथ गलत व्यवहार होते देखते हैं, जैसे खुद कहती हूँ बच्चों को भी सिखाते हैं हम लोग, टेक टेक बुजुर्ग बोझ लिए जा रहे हैं और बगल में यंग आदमी जाते हैं, तो हमारे माँ बाप पिता ने भी हमें सिखाया, हम लोग भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सीढ़ी से चल रहे हो कोई तुमसे एजेड व्यक्ति कुछ बोझ सब्जी लेके चल रहा है तो तुरंत उसके हाथ से ले लो और ले आओ, या आप आस पास भी देखते हैं किसी को कुछ कोई तकलीफ है अरे थोड़ी सी हेल्प कर दो कर सको, तो ये संस्कार अगर हम बच्चों को बचपन से दें तो बच्चों पे अच्छा असर होगा, फिर वो अगर ये सब देख भी रहे होंगे आस पास तो उनका उल्टा असर होगा, वो अच्छा करेंगे। ससुराल भी लड़कियां जाएंगी तो चाहेंगी कि वो घर के बुजुर्गों को सम्मान दे,
बड़ों को सम्मान दे, क्योंकि उन्होंने देखा है बुढ़े का हमें भी होना है, तो हमारे भी हमें भी इतना ही सम्मान और इज्जत मिलेगा जो हमारे घर में हमारी दादी नानी को मिलता है, उन्हें बोझ नहीं समझा जाता। आपको एक बात बताऊंगी, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं स्पेशली भारत के बहुत से स्टेट में, उनसे अगर आप बात करोगे तो अगर रीति रिवाज की बात करेंगी, पीहर भी आई हुई है, देखा है शादी वगैरह में देखते ही इकट्ठी होती है, तो वो लोग कहेंगे अपने बहू बेटियों को, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होता है। वो हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है, उनका ससुराल, ससुराल की रीति रिवाज को, ससुराल को वो हमारे यहाँ कहते हैं। यहाँ तक कि पीहर भी जाएंगी तो कहेंगी हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज नहीं होती, यानी वो भूल चुकी है कि उनका पीहर, उनका जन्म स्थान कोई और है, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी ससुराल में चली गई। ऐसी महिलाएं, ऐसे बुजुर्ग अगर देखते हैं कि बचपन एकदम बूढ़े हो गए हैं, जिनका वो एकदम व्यंग ऐसे करते आ रहे, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, सम्मान नहीं देते, तो कैसे समाज को हम चाहेंगे समाज में बदलाव। फ्रेंड्स, किस्मत में होता वही है जो राम रचि राखा, लेकिन हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारी इंसानियत और जो यूनिवर्सल ट्रुथ है बर्थ और डेथ, इन सब चीजों को अगर हम समझ के चलते हैं तो ऐसे व्यवस्था के रिश्ते अगर है भी तो वो बहुत जल्दी अच्छे रिश्तों में परिवर्तित हो सकते हैं। और करना है सिर्फ हमें इंसानियत दिखानी है, थोड़े से अच्छे शब्द बोलने हैं जो बहुत कुछ कर सकता है, कि इंसानियत का होना बहुत जरूरी है हमारे अगर हम चाहते हैं भविष्य में पूरा देश, पूरा विश्व में इंसानियत रहे, तो उसके लिए शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। जो एक साल जो कठिन गुजरा है, ये भी वैक्सीन जो निकली है असर भी होगा, ये वायरस भी जाएगा, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, उसमें से एक चीज ये भी है धैर्य। तो थोड़ा सा धैर्य रख के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ साथ दे, इंसानियत को सबसे ऊपर रखें, तो धीरे धीरे देखेंगे जो सारे हमारे काम अटक गए हैं वो भी होंगे, और होता तभी है जब वो काम होना होता है, आगे पीछे नहीं होता है। एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के प्रति सबसे पहले इंसानियत को बनाए रखें, तो कभी भी कोई रिश्ता सिर्फ व्यवस्था का रिश्ता नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं अपनापन, स्नेह, केयर जरूर आ जाएगा। जैसा अक्सर कहते हैं खून धर्म कर्म के रिश्ते बाद में, सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता। अगर वो रिश्ता हमारे साथ है, हम अपने आप को इंसान समझते हैं और औरों को भी, सिर्फ इंसान नहीं जानवरों को। अभी गर्मी आ रही है, पानी की कहीं छोटा सा कुछ एक रख दिया कि पानी पिए जानवर, उन्हें भी हमें जीव मात्र के प्रति अगर ह्यूमैनिटी को रखें अपने अंदर, तो कोई भी रिश्ता व्यवस्था का नहीं रहेगा, वो रिश्ता रिश्ता ही रहेगा प्यार और स्नेह का। फ्रेंड्स, पहली बार देखने वालों से कहूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा से सहमत हो तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, तो एक अच्छी सोच समाज में और अधिक बढ़ेगी। सभी के लिए स्वर से अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, हम सब सुरक्षित हैं और जल्दी से जल्दी, इसमें बहुत हो गया, बस अब और नहीं, जल्दी है हम लोग इस बीमारी से सब मुक्त हो, सब सुरक्षित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस अस ऑल।